काम हरियाणा के बीच इस तरह से हरियाणा के खिलाड़ी रीड करते हुए पहली रीड है। फाइनल मैच का पहली रीड है। हरियाणा के खिलाड़ी रीड करने गए हैं। अपने टीम को क्या कुछ करते हैं आप सबसे योगेश कुमार कमेंट्री बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे रीडर हैं, काफी अच्छी छलांग लगाते हैं, बहुत ही जबरदस्त दोनों टीमें बहुत टक्कर की हैं। इस तरह से हरियाणा के बहुत ही अच्छे जाने माने लीडर हैं और हरियाणा का बढ़ता हुआ स्कोर उत्तर प्रदेश यूपी का स्कोर जीरो। एक नाम दे दीजिए भाई पानी पीने के लिए खिलाड़ियों को। देखिए हम एक चीज और कहेंगे, खिलाड़ी अपने ईमानदारी का परिचय देंगे। चिन्हते हैं भाई इस तरह से उत्तर प्रदेश यूपी के खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 रीड करते हैं। देखना है अपने टीम के लिए क्या करते हैं। उत्तर प्रदेश बनाम हरियाणा का फाइनल मैच हो रहा है। हरियाणा दर्शक एक बार ताली के बजाने का हमको फाइनल मैच हो रहा है। भारत माता की इसका ताली बजाएंगे। भारत माता की वंदे वंदे। तो 7 नंबर के खिलाड़ी जो कि अपने टीम के लिए बहुत अच्छे लीडर हैं, जो कि इनका नाम है करणवीर यादव। बहुत टॉप के लीडर हैं। हरियाणा का बढ़ता हुआ स्कोर 3 उत्तर प्रदेश 1। हरियाणा के खिलाड़ी भी करते हुए पॉइंट की तलाश में जबरदस्त। जर्सी नंबर 7 ये भी बहुत टॉपर खिलाड़ी हैं और पॉइंट ले जाने में कामयाबी मिले। 1 पॉइंट के साथ बढ़ता हुआ और यूपीए ज्यादा सही है। बच्चे बढ़ता हुआ इस खेल दोनों टीमें टक्कर की है। आप समझ लीजिए कि अगर इतनी अच्छी दोनों टीमें नहीं होती तो फाइनल का सफर कैसे तय करके आती। बहुत अच्छी दोनों टीमें बराबरी के मुकाबले की हैं 4-4 और हरियाणा का स्कोर 4 यूपी का स्कोर 4। हरियाणा का खिलाड़ी रीड करता हुआ पॉइंट की तलाश में जर्सी नंबर 7 जो कि बहुत ही अच्छे लीडर हैं लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई। देखना है बहुत देश प्रयास। 1 पॉइंट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 5 उत्तर प्रदेश 4 यूपी बनाम हरियाणा और जबरदस्त मैचिंग हरियाणा के और यूपी का स्कोर 4। हरियाणा के खिलाड़ी जो कि जर्सी नंबर 7 के बहुत टॉपर लीडर माने जाते हैं अक्सर ही हो रहा है हरियाणा के और पॉइंट की तलाश में चीते जैसी फूटे कब मुड़ जाए कहां से इसकी कोई गारंटी नहीं है लेकिन बड़े पॉइंट के वापस जाना पड़ा। जर्सी नंबर 7 इधर से भी दोनों जर्सी नंबर 7 साथ टापर पर चल रहे हैं। देखना है क्या करते हैं। बहुत अच्छे लीडर दोनों जर्सी नंबर 7 के खिलाड़ी बहुत अच्छे।
हरियाणा 6, उत्तर प्रदेश 4, डू आर डायरी डूअर डायरी है। हम कुल मिला के चार बार मरों की स्थिति में है और प्वाइंट में जाने में काम है। इधर भी डूअर डायरी है क्या? नहीं है। खिलाड़ी एक मिनट काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? 6-7 उत्तर प्रदेश, 6 हरियाणा 7। के खिलाड़ी भी करते हुए जर्सी में देखा, जो कि उत्तर प्रदेश की टीम के सबसे अच्छे रीडर माने जाते हैं। और देखना है क्या पॉइंट ले आने में कामयाबी मिलती है उनको कि नहीं, जो कि बहुत अच्छे रीडर हैं। और वापस और जर्सी नंबर 7 हरियाणा के लिए, जर्सी नंबर 7 चल रहे हैं और बहुत अच्छे रीडर हैं। जर्सी नंबर 7 जो कि हरियाणा के खिलाड़ी हैं, टॉप के रीडर हैं अपने टीम के। नहीं बचल बढ़िया बच्चे। हरियाणा 8, उत्तर प्रदेश 7। हमारे दर्शक हथौड़ी नहीं बजा रहे हैं, ताली बजाइए भाई। दर्शकों ने ताली बजाकर खिलाड़ियों का उत्साह, खिलाड़ी उत्सुक। और हरियाणा 8, उत्तर प्रदेश 7। दोनों टीमें काफी आप एक लंबे समय से कर रहे हैं, वो घड़ी अभी पर करीब आ चुका है। फिलहाल यहाँ पे रेड करने के लिए खिलाड़ी तैयार, दोनों की तरफ लगातार निगाहें रखनी पड़ रही है ताकि किसी प्रकार की कोताही न हो। फाइनल का मुकाबला है और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को खोना नहीं चाहेंगी, क्योंकि गौरव और सम्मान का विषय हरियाणा और वहीं पर यूपी की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अंकों की संख्या यानी पॉइंट की संख्या है 9, तो 8 और 9, तो ये कड़ा मुकाबला है आज के दिन का, आखिरी ये मुकाबला है, फाइनल का है। और निश्चित तौर पे एक बेहतरीन मुकाबला आप सभी को देखने को मिलेगा इस मैदान पे। फिलहाल ये देखिए आप खिलाड़ी की तरफ गया है, खिलाड़ी नंबर 3, ये वही खिलाड़ी है जो कोरमोइचा के खिलाफ लगातार मोर्चा संभाले हुए थे, वापस गए। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गौरव यूपी 9 और हरियाणा इस समय 8 है। नंबर के खिलाड़ी तैयार, पॉइंट पाने की लगातार कोशिश यहाँ पे लगातार जद्दोजहद करते हुए, और क्या ये अंक प्राप्त कर पाएंगे देखना दिलचस्प होगा मैदान पे। फाइनल के इस मुकाबले में फिलहाल वापिस जाएंगे अंक लिए बगैर, तो उनको निराश होकर के जाना पड़ेगा। तो विदाउट टेकिंग एनी पॉइंट ही हैज टू गो डिसअपॉइंटेड, सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द प्लेयर, विदाउट टेकिंग एनी पॉइंट ही हैज टू गो इम्प्टी हैंडेड टू हिज साइड। वापिस फिर से यहाँ पे तैयार, क्या ये अंक प्राप्त कर पाएंगे देखना होगा दिलचस्प। दो टीमें आमने सामने, फाइनल थोड़ा सा समय आ गया है फाइनल होते होते। भाई देखिए आप जी हमारे बीच में बैठे हैं राकेश कुमार चतुर्वेदी जी, विकास पार्टी के ब्राह्मण और चुनाव अध्यक्ष हैं, तो हम इनके बारे में भी बताएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए सोने की तैयारी करते हैं और आप लगातार जाग करके इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने का हमारी सहायता प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए निशान साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस कार्यक्रम के माध्यम से फिलहाल तैयार, आप देख सकते हैं ये खिलाड़ी लगातार संघर्ष कर रहा है, यहाँ पर आ गया है, हर पल अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं श्याम धर बिंद जी, क्योंकि फाइनल का मुकाबला है, यहाँ को ताली नहीं दबेंगे, यहाँ कोई आलसपन देखने को नहीं मिलेगा। 9 और 14 इस समय उत्तर प्रदेश और वहीं पर हरियाणा इस समय 9 है, फाइनल के इस मुकाम पे आखिरी पाव चल रहा है इस मुकाबले का और दोनों ही टीमें किस टीम के ऊपर मुस्कुराता है और किसके स्तर पे कामयाबी का चेहरा बनता है और किसको मात का सामना करती है, आप देख सकते हैं इशारा हो चुका है पॉइंट का, हरियाणा के अंकों की संख्या 2 अंकों के साथ जा पहुंचा है 10, वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंकों की संख्या है 14। अगले रेट के साथ तैयार, तेजी के साथ पाओ आगे की तरफ बढ़ाया, इस उम्मीद के साथ की पॉइंट मिलेगा, हालांकि अभी उनको मायूस होना पड़ा है, बगैर पॉइंट के फिर से कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है इस खिलाड़ी के द्वारा। देखिए आप बीच में फाइनल में ये मुकाबला होगा, आखिरकार पकड़ लिया गया उनको और जहाँ पे कमजोर, आपको बता दूं कि इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है खिलाड़ी, खासतौर पे बहुत अच्छे खिलाड़ी है, 1 नंबर के 10 नंबर के खिलाड़ी है, सफलता प्राप्त किया यहाँ पे, दौड़ की तरफ गए और कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है तो, और यहाँ खतरे जा सकते हैं और कई लोग को ढकेलते हुए अंदाज में अपने और इस हरियाणा अपने और उत्तर प्रदेश की संख्या बहुत बढ़ी है, उत्तर प्रदेश 15 हरियाणा इस समय है 12। जैसे तैयार और तेजी के साथ वापिस आए थे कि कोई अगर समस्या हो कोई खतरा हो तो अपने आप का बचाव किया जा सके, फिलहाल तैयार ये खिलाड़ी अपने दोनों तरफ देखने का प्रयास किए, देखिए आप क्योंकि खतरा है दोनों तरफ से दाएं और बाएं, इसलिए दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है खिलाड़ी को और साथ ही साथ पॉइंट लेने और अब तैयार हरियाणा का ये खिलाड़ी जो निश्चित तौर पे अंदर तक जा रहा है रुक करते हुए, ये देखिए आप कितना दूर तक हाथ फैलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं आगे निकल गया हरियाणा 16 और उत्तर प्रदेश जो आगे चल रहा था वो पीछे, एक और पॉइंट यहाँ पर हरियाणा के खाते में, आप किया गया था दोनों टीमों को ये ध्यान है, अच्छा उत्तर प्रदेश को दिया गया पॉइंट उसके साथ 19 हरियाणा और 16 पॉइंट रह गए हैं और अगर कहते हैं हरियाणा इस समय आगे है अंकों के मामले में, उत्तर प्रदेश के अंकों की संख्या में चुकी 19 हरियाणा है और 16 पॉइंट इस समय उत्तर प्रदेश का है, तो अब तैयार तेजी के साथ पकड़ने में इस तरीके से उत्तर प्रदेश 17 और हरियाणा के अंकों की संख्या है 19। क्या प्रतिदिन मुकाबला चल रहा है दो राज्यों के बीच, घमासान चल रहा है कबड्डी के मुकाबले में, एक तरफ उत्तर प्रदेश तो दूसरी तरफ है हरियाणा, दो राज्यों की प्रतिष्ठा और सम्मान गांव पे लगा हुआ है इस समय, कुरमुर्चा के ऐतिहासिक मैदान पर हो रहे हैं इस कबड्डी टूर्नामेंट में, जबकि साहब ही होना चाहिए हरियाणा के अंकों की संख्या जब पहुंचा है 22 यहाँ पे, कड़ा मुकाबला चल रहा है फाइनल का, ये देखिए सर पे ताज बांधने के लिए घमासान मचा हुआ है मैदान पे, देखते हैं कि किसके सर पे ताज या बी का सेहरा बनता है, लगातार फाइनल का मुकाबला चल रहा है और ये देखिए अंक प्राप्त किया है इस बार 22 और 18 पॉइंट, वर्तमान भाई जी जी सबसे कमजोर खिलाड़ी क्या है, खिलाड़ी की क्या एज होगी, ये होंगे मुझे लग रहा है तो 17 टीम में समय और बाकी रह गया है, करुण जी हैं जो इससे पहले कमाल किया था और इस बार तो उनको मौका बनाया गया पॉइंट देने का, अब 3 मिनट का समय और बाकी रह गया, धन्यवाद इस बात की जानकारी के लिए, अब 3 मिनट के समय में निश्चित तौर पर अपने आप को साबित करना होगा और ये कामयाब हो गया है, आप देख सकते हैं 19 पॉइंट होता हुआ उत्तर प्रदेश का और 22 हरियाणा आ गए हैं अपने टीम के सम्मान के लिए फाइनल के मुकाबले में, लगातार कोई भी खिलाड़ी यहाँ नहीं बैठना चाहेंगे क्योंकि एक बड़ा मुकाबला जब होता है तो ऐसे में सजग अवसर कैमरा चालू है। ये देखिए आप किस तरीके से टच करके किस तरीके से जाने का प्रयास किया जा रहा है और उनको पकड़ने का प्रयास किया, ये देखिए उनका हाथ सीधा पाला की तरफ है,
और ये देखा यहाँ पर आ गया रेफरी साहब का, क्योंकि रेफरी लोग ये कैसे करते हैं, ये नियम का सरासर उल्लंघन था। वापिस गए 20 और लक्ष्मण बिंद थोड़ा से बगल हो जाए हल्का सा, 22 है हरियाणा और 20 उत्तर प्रदेश। बहुत ही खराब मुकाबला, थर्टी का मुकाबला चल रहा है फाइनल में, आप देख सकते हैं निश्चित तौर पे ऐसे मौके पर चल रहा है फाइनल का मुकाबला, जब जन्माष्टमी का त्योहार पूरे धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। फाइनल के मुकाबले में मात्र 2 मिनट का समय, और पॉइंट की बात करें तो आप देखिए दोनों ही टीमें हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश है तो 2 कदम ही आगे हरियाणा 22 है। उत्तर प्रदेश क्योंकि जहां मुकाबला चल रहा है ये उत्तर प्रदेश राज्य का ही है और हरियाणा के बीच चल रहा है मुकाबला। बहुत ही बढ़िया मुकाबला देख सकते हैं आप, 22 और 20 के बीच ये मुकाबला जारी है। उन्हें फिर रिव्यू का सहारा लिया जा सकता है। ये देखिए आप अगर आपत्ति यहाँ पे जाहिर की है आपको बिंदु को एहसास हो रहा होगा, अपने आप को ताकत महसूस हुई होगी कि हमने जो फैसला लिया वही फैसला कैमरे में भी नहीं आया। और 23 और 20 यहाँ पे 7 नंबर के खिलाड़ी तैयार है, टी टाइम गए उनको झटका दिया गया हल्के से, लेकिन क्या कुछ होगा देखना होगा। तेजी की तरफ आए फाइन लगाई जा रही है, अब एक बहुत ही कड़ा मुकाबला चल रहा है, फाइनल का मुकाबला चल रहा है, समय है केवल 1 मिनट। देखिए 1 मिनट क्या बदल देगी सारे तस्वीर को, जीत और हार की तस्वीर को बदलेगा 1 मिनट का महत्वपूर्ण समय। 1 मिनट समय केवल बाकी है इस फाइनल के मुकाबले में, सिहरा किसके साथ बनता है, किसको हार का सामना करना पड़ता है, ये 1 मिनट का समय तय करेगा। वापिस जाएंगे अब वापिस अपनी जगह पे, और हमारे खास तौर पर मेहमान निसार साहब रेफरी के स्कोर के रूप में, और चलता हुआ ये मुकाबला फाइनल का, कम समय बाकी है और ये आखिरी रेड हो सकता है, एक और रेड हो सकता है, ये तो रेफरी तय करेंगे। फिलहाल 23 है हरियाणा और उत्तर प्रदेश है 22, ये है फाइनल का मुकाबला। और हरियाणा के खिलाड़ी तैयार, जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ रूप चले गए हैं, यही रेड है जो तय करेगा हार और जीत। पॉइंट बराबर आते हैं, मैच खत्म। भैया 5-5 रेड हो गए, मैच बराबर, टाइम खत्म, 5-5 रेड होगा। भैया 5-5 रेड होगा, गौरा का हरियाणा 23-23 से बराबर, समय खत्म, गौरा और हरियाणा 23-23 से बराबर, समय खत्म। यही मिठाई दे यार, क्या प्लान है, यही बोनस प्लान होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 5 आपने देखा है दोनों तरफ वो किनारे वाला जो लाइन बना है वही बोनस पॉइंट के रूप में रहेगा। तो 5 रेड खिलाड़ी करेंगे, 5 अलग अलग खिलाड़ी होंगे वो रेड करने वाले। तो आप देख सकते हैं कितना रोचक और कितना समय कम समाप्त हुआ है, टाइम तो बड़ा मैच बहुत ही कम देखने को मिलता है, जहाँ पे 20 मिनट का समय रिकॉर्ड समाप्त किया गया हो जब दोनों भी टीमों के पॉइंट बराबर है। यहाँ पे भैया यहाँ पे प्रीतम गए हैं, टिक लग दिया, टिक लगा दिया गया है कि दोबारा ये न जा पाए, और यहाँ पर प्रीतम कामयाब हो गया है। यहाँ पे तैयारी है, देखिया ये है शशि, शशि है उत्तर प्रदेश के, शशि शशि है उत्तर प्रदेश के रेड खेलने यहाँ पर गए हैं। शशि कितने की शशि की प्रक्रिया, क्या यहाँ पे प्राप्त कर पाते हैं, नहीं देखा सब किनारे की तरफ गया है और बोनस बोनस बोनस। तो आप जा रहे हैं, ये देखिए आप, ये है आकाश, आकाश ने हरियाणा को से टिक लग गया, आकाश दोबारा नहीं जा पाएंगे, आकाश यहाँ रेड करने के तैयार। और ये दूसरा रेड है हरियाणा की ओर से, टीम को अधिकार मिला है 5 बार रेड करने का, और सभी खिलाड़ियों को हिंदी के साथ और सफलता प्राप्त कर लिया है। ये है परमवीर, परमवीर और वापस हरियाणा कैंटो की संख्या आपको बता दें, और अब गए हैं रेड करने के लिए यहाँ पर अंकित गए, अंकित गए हैं तीसरे रेडर है ये, और ये तेजी के साथ पांव भागते हुए लग रहा है सफलता प्राप्त कर लिए हैं और प्राप्त कर लीजिए यहाँ पर
सभी तैयार यहाँ पे लगातार तीसरा रेड है, आप देख सकते हैं क्या यहाँ प्राप्त करेंगे। इसके साथ यहाँ पर रेड करने के लिए जा रहे हैं सनी, खिलाड़ी नंबर चार, ये देखिए आप क्या है, चौथे नंबर के खिलाड़ी जा रहे हैं, जा रहे हैं अंकित, अंकित आइए चौथे खिलाड़ी है, उत्तर प्रदेश के चौथे खिलाड़ी, पांच और चार ये मुकाबला चल रहा है, ये देखिए आप चार पांच हजार जा रहे हैं मोहित, हरियाणा की आखिरी लीडर है, इसके बाद कोई और लीडर बचा नहीं है, ये आखिरी लीडर है पांचों लीडर, इसके बाद मोहित और मोहित का आखिरी तैयार है, क्या ये फाइट लेके जाएंगे, अगर जाएंगे तो हम बराबर हो जाएंगे, ये देखा लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं, ये तो पकड़े जाएंगे, ये तो फाइट लेके जाएंगे, वैसे तो नहीं जाना चाहेंगे, पांच पांच मिनट में भी बराबर हो गया मैच, गौरा कला हरियाणा गौरा कला टॉस जीत गई, चॉइस कोड लिया है भाई, भाई दो बार मैच बराबर हो गया, गौरा कला टॉस जीत गया, गोल्डन टॉस हो रहा है भाई, गोल्डन रन होने जा रहा है, गौरा कला हरियाणा यहाँ पर देख लीजिए मैच बराबर, पहले 23 से बराबर फिर 6 से बराबर और गोल्डन रन होने जा रहा है।